बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, बाबा तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेंगे वक्त और जमाना भी, बदलेंगे वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजमी है, मैं छठी कक्षा की छात्रा। आज बाबा साहेब यानी कि हमारे संविधान के हृदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में व उनके जीवन के संघर्षों के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है, तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको उस शेर की कहानी। 1901 में एक 9 साल का बच्चा अपने बड़े भाई के साथ अपने पिता को मिलने जा रहा था। उसके पिता गुड़गांव में कैशियर का काम करते थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए उन्होंने अपने घर कुछ पैसे भिजवाए, जिससे बच्चों ने नए नए कपड़े खरीदे। उनकी ट्रेन यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन गुड़गांव पहुँची तो वहाँ बच्चों को लेने कोई नहीं था। उस 9 साल के बच्चे ने स्टेशन मास्टर से मदद मांगी। स्टेशन मास्टर पहले तो बहुत अच्छे से पेश आए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला वह बच्चे माहर जाति के हैं, उन्होंने उन्हें मदद करना दूर उन्हें स्टेशन से बाहर निकलवा दिया। स्टेशन से बाहर निकले जाने के बाद वह बच्चे परेशान हो गए कि अब अपने पिता के पास कैसे पहुँचा जाए। इसको सोचते समय उन्हें एक टांगे वाला दिखा, जिन्होंने उन्हें अपने टांगे में बिठाने से मना कर दिया, क्योंकि वह बच्चे महर जाति के थे। वो 9 साल का बच्चा और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जैसे कैसे भूखे प्यासे वह अपने पिता के पास पहुंचे। इस घटना के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह निर्णय ले लिया कि जैसा भेदभाव उनके साथ हुआ है वैसा